हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्या स्नातक। और आज की इस वीडियो में हम सभी हिंदी भाषा और साहित्य का सब्जेक्ट से जो आपकी कविता है बेटी की विदाई, और ये सेमेस्टर 1 और 2 दोनों के लिए हेल्पफुल है। यूनिट 4 है आपकी, माखनलाल चतुर्वेदी जी कवि हैं और हिंदी जी ए आपका सब्जेक्ट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लें, और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए, इन जो भी आपको कविता या जो भी नोट्स आपको दिखाए जाते हैं, आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, एकलव्य स्नातक 1 सर्च मार के। तो अब हम देखते हैं कवि परिचय। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी कवि हैं इस कविता के। तो भाई, 4 अप्रैल 1889 को ग्राम बम्बई होशंगाबाद में इनका जन्म हुआ। बहुत गरीबी में इनका बचपन बीता, पिता गरीब थे, बचपन में बहुत गरीबी का सामना करना पड़ा। और बालक माखनलाल, यानी कि बचपन में माखनलाल जी की शिक्षा गांव के ही प्रारंभिक जो स्कूल में हुई, जहां उनके पिता पंडित नंदलाल प्रधानाध्यापक भी थे। प्राइमरी परीक्षा पास करने के बाद उन्हें अंग्रेजी सीखने मालवा भेजा गया, लेकिन पूरी फीस ना देने के कारण वापस आ गए भाई। फिर वो अपने दादाजी के पास संस्कृत की पाठशाला में गए, जहाँ उन्होंने संस्कृत का बहुत अच्छे से अध्ययन किया। नांदेड़ से संस्कृत की शिक्षा समाप्त करके भाई 1903 में वापस वो जो है बम्बई लौटे, और इसके कुछ समय के पश्चात इनकी शादी हो गई। मिडल परीक्षा पास करके कवि माखनलाल क्रांतिकारियों के संपर्क में आ गए। फिर 1903 में उन्होंने कलकत्ता कांग्रेस में भी भाग लिया। शिक्षा वगैरह में वो लगे रहे, और ट्रेनिंग में भी लगे रहे, सीखते सिखाते रहे, और एक दिन वो टीचर भी बन गए। कविता करना बहुत शुरू से ही उनको अच्छा लगता था। धीरे धीरे कविता में निखार भी आने लगा उनकी। और खंडवा में अध्यापकी, यानी कि खंडवा नाम की जगह पे वो पढ़ाते थे, वहां पर वो सैयद अली मीर और जगन्नाथ प्रसाद भानु जी से भी मिले। 1913 में उन्होंने अपना टीचर से रिजाइन देकर प्रभा नामक एक पत्रिका मैगजीन में जो है सह संपादन, ठीक है, का काम शुरू किया। इसके बाद काफी ज्यादा वो फेमस हुए। 1915 में 1 जनवरी को उनकी पत्नी मर गई थी, और गरीबी के कारण वो उनका दाह संस्कार भी सही से नहीं कर पाए थे, तो उधार लेकर पैसे फिर किया था। प्रसिद्ध पत्रकार और दैनिक प्रताप कानपुर के जो संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी, तथा सभी परिवार के जनों के आग्रह को ठुकरा कर उन्होंने फिर विवाह नहीं किया। यानी कि इन सब लोगों ने बोला कि आप शादी कर लो, बट उन्होंने मना कर दिया, मैं नहीं करूंगा। धीरे धीरे वो राजनीति में भाई घुसते चले जा रहे थे। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के बंदी गृह में भी उनको डाल दिया जाता था, जेल वगैरह में। राजनीति में बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए थे, और इसी तरीके से वो अलग अलग ग्रंथ भी लिखते रहे, और भारत सरकार ने उनको पद्म भूषण भी दिया। सागर विश्वविद्यालय ने उन्हें डी.लिट. की उपाधि दी, और ये 75 वर्ष की आयु में इनकी डेथ हो गई। तो साहित्यिक परिचय देखें तो माखनलाल चतुर्वेदी जी जो है देश प्रेम की कविताएं ज्यादा लिखते हैं। अपने संघर्ष, अपने दुख, अपनी वेदना, अपनी यातना को कविता के माध्यम से दिखाते हैं। आजीवन जो देश का प्यार उन्होंने अपना किया है, राष्ट्र के कल्याण के लिए गीत लिखे हैं, और राष्ट्रवादी विचारधारा के कवि हैं। इनकी रचनाएं हैं, काव्य संग्रह है युग चरण समर्पण, हिम किरीटनी वेणु लो गूंजे धरा, निबंध में है साहित्य देवता, स्मृतियां हैं संतोष बंधन सुख, नाट्य रचना है इनकी कृष्णार्जुन युद्ध, कहानी संग्रह है कला का अनुवाद, और हिम तरंगिणी सबसे फेमस रचना है इनकी, याद रखना। सो ये जो आज की हमारी कविता है बेटी की विदाई, भाई आपको पता है शादी के बाद लड़की की विदाई हो जाती है, बहुत दुखी सब माहौल होता है, एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा इमोशनल होता है, विदाई की बेला बहुत ज्यादा मार्मिक होती है, तो यही इसमें बताया गया है। आइए देखते हैं क्या है। तो पहला काव्यांश है, आज बेटी जा रही है मिलन और वियोग की दुनिया नवीन बसा रही है, मिलन यह है जीवन प्रकाश, वियोग यह युग का अंधेरा, उभय दिशी कांदिमनी अपना अमृत बरसा रही है। तो भाई माखनलाल चतुर्वेदी जी की एक काव्य संग्रह है समर्पण, वहां से ही कविता ली गई है। बेटी अलग हो रही है, कैसे एक नए परिवार में जा रही है, ये इसमें बताया गया है। प्रसंग हर जगह सेम चल सकता है, मैं आपको बता दूं। तो व्याख्या में ये है कि कवि अपने मनोभावों को प्रकट करता है और कहता है कि एक पिता ने जिस बेटी को जन्म दिया, पाला पोसा बड़ा किया, सुख दुख का अनुभव साथ किया, आज वो बेटी हाथ छुड़ाकर ससुराल जा रही है। और एक तरफ तो पिया मिलन की भाई बात है, दूसरी तरफ नई दुनिया भी उन्हें बसानी है। तो भाई इस तरफ माता पिता भाई बहन सखी सहेलियां बिछोड़ने के गम में हैं, दुख में हैं, और बहुत अद्भुत स्थिति बनी हुई है कि भाई मिलन से जहाँ एक तरफ नया जीवन आएगा, दूसरी तरफ अंधकार हो जाएगा, खुशी और गम दोनों चीजें चल रही हैं, और दोनों तरफ से ससुराल वाले और मायके वाले जो हैं वो आशीर्वाद दे रहे हैं। खड़ी बोली का प्रयोग है, वात्सल्य रस इसमें देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है। और इसके अलावा ससुराल पक्ष और पिता पक्ष दोनों की संवेदना, जो दोनों का जो दुख है वो आपको देखने को मिलेगा। फिर दूसरा काव्यांश आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है, मैं आपको इसकी व्याख्या समझाता हूँ कि इसके अंदर क्या बताया जा रहा है। तो काव्यांश आपने देख लिया हो तो इसकी व्याख्या और इसका प्रसंग मैं आपको बता दूं, वही चल सकता है जो पीछे वाला था।
ठीक है, बाकी इसमें और भी लिखा हुआ है, जैसे कि इनका काव्य संग्रह जो है वो सेम आप लिख सकते हो, वही है। तो कवि पिता के रूप में पुत्री के बचपन की सभी जो भी जो बातें हैं, हरकतें हैं, उनको याद करता है। कैसे अपनी बेटी को उसने देखा, वो पहले चलना सीखी, सबसे पहले उसने कैसे बोलना सीखा, तो ये बातें उसको याद आ रही हैं। तो कवि ये कहता है कि ये कैसे हो गया, जिस घर में तुमने जन्म लिया, लड़खड़ाते कदमों से चलना सीखा, जिस घर में तुम शैशवावस्था यानी कि बचपन में पहली बार ही तुम्हारे पैरों की पायल की आवाज आई, उस घर को छोड़कर तुम पराया कैसे कह रही हो। यही वह आंगन है जिसने सबसे पहले तुम्हारी पायल के घुंघरों की मीठी आवाज सुनी थी। यही वो स्थान है जहां तुम तुतलाते हुए बोलना सीखे। तुम्हारे तुतलाने पर हमारे अंदर का प्रेम जाग पड़ता था। भाई तुम्हारे रूठने हंसने की यादें जुड़ी हुई हैं इस घर से, और इतनी सारी क्रियाएं तुमने यहाँ पे काम कराया, ये एक्टिविटीज करी है बचपन में, हम कैसे कह सकते हो कि भाई ये तुम्हारा है ही नहीं? क्या अब ये सिर्फ यादें रह जाएंगी? क्या आप दोबारा हम सिर्फ सपनों में ये सब देख पाएंगे? क्या आप दोबारा कभी नहीं आओगी? तो ये यहाँ पे प्रश्नात्मक शैली चल रही है। फिर है गोदी के बरसों को धीरे धीरे भूल चली हो रानी, बचपन की मधुरीली कूकों के प्रतिकूल चली हो रानी, छोड़ जाह्नवी कूल नहीं धरा के कूल चली हो रानी, मैंने झूला बांधा है अपने घर झूल चली हो रानी। तो वही सेम आप लिख सकते हो, ठीक है, प्रसंग। और ये भी डाल सकते हो कि भाई क्या तुम सब भूल चुकी हो जो भी था तुम्हारा यहाँ इतिहास है घर में। तो देखो कवि अपनी पुत्री से ये प्रश्न कर रहा है, क्या तुम अपने बचपन के बिताए हुए पल भूल गए हो? घर परिवार की गोदी में तुम हर किसी के साथ खेलते थे और सभी तुम्हें गले लगाते थे, भूल गए हो? बचपन में तुतला के बोलते थे मधुरता से, मीठे एक मीठे बोल में अपनी बातें रखते थे, क्या आज तुम सब कुछ भूल गए हो? अलग ही तरीके से तुम बिहेव कर रहे हो और तुम्हारी आवाज बहुत भारी हो गई है, रूखी सी हो गई है। और गंगा नदी का वह सौंदर्यमयी किनारा है जहाँ अपना सुख दुख सब बांटते हैं, उसे छोड़कर अब तुम प्रेम रूपी धारा के पास जा रही हो, यानी कि अपना घर छोड़कर आज तुम कहीं और जा रही हो प्रेम की तलाश में। जो मैंने तुम्हें बचा के रखा दुनिया से, जो संरक्षण दिया, आज वही संरक्षण तुम्हें तुम्हारा पति देगा। फिर आगे की लाइनें आप पढ़ सकते हो, प्रसंग आपका वही चल जाएगा, ठीक है। और एक पिता कैसे अपनी हिम्मत जुटा रहा है लेकिन फिर भी हिम्मत हार जाती है, मनोस्थिति कंट्रोल नहीं हो रही, ये बताया जा रहा है। तो आइए देखते हैं इस काव्यांश में क्या है। मेरा गर्भ से लेकर हिम्मत हारी है तक ये काव्यांश है। और देखो कवि पिता के रूप में कहता है कि पुत्री तुम मेरा गर्व हो, मुझे तुम पे अभिमान है, लेकिन समय और समाज इसके कुछ नियम कानून विधि के विधान होते हैं, लड़की को जाना होता है अपने घर पे। मेरा धन दौलत ऐश्वर्य सब कुछ बेकार है, ठीक है, बहुत छोटा है, मैं तुच्छ इंसान हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें जाना है, आज तुम्हें विदा करते हुए मेरा मन भारी हो रहा है। जो तुम सिसकियां मतलब जो ये आ रही हैं ये अलग होने के कारण, ठीक है, वे मधुर लग रही हैं, सांस मुझे बहुत ही बेकार लग रही है कि मैं अब जी कर क्या करूंगा भाई, है ना, मैं अपना जीवन में ही हार चुका हूँ, मेरी बेटी जा रही है मुझसे दूर, मेरी सारी हिम्मत खत्म हो चुकी है, मैं चाहकर भी तुम्हें अपने पास नहीं रोक पा रहा। फिर अगला काव्यांश है, कैसा पागलपन है, मैं बेटी को भी कहता हूँ बेटा, ठीक है, कड़वे मीठे स्वाद विश्व के स्वागत कर सहता हूँ बेटा, तुझे विदा कर एकाकी अपमानित सा रहता हूँ बेटा, दो आंसू आ गए समझता हूँ उनमें बहता हूँ बेटा। तो वही है कि मैं तुम्हें अपने बेटे की तरह समझता हूँ लेकिन मुझे पता नहीं है एक दिन तुम दूर हो जाओगे, कभी मैंने सोचा नहीं था, ये प्रसंग है। फिर है कि देखो इसकी वाकया में है कि कवि कहता है कि मैं कैसा एक पागल इंसान हूँ भाई, मैं अपनी बेटी को बेटा कहता रहा, भूल गया कि एक दिन ये विदा होकर दूर चली जाएगी, मैं एक लाचार पिता हूँ। संवेदनशील है काफी भाई जो पिता है लड़की का, दुख सुख से भरे सारे पल मैंने तुम्हारे सहारे जिए हैं, संसार में जो भी कड़वे मीठे अनुभव एक्सपीरियंस है हमने मिलकर देखे हैं, मैंने तुम्हें पाला पोसा है, तुम्हारे विवाह के अवसर पर मैं अकेला हो गया हूँ, तुम्हें विदा करते हुए मैं बहुत लाचार हूँ, बेबस हूँ, अपमानित हूँ, महसूस कर रहा हूँ ऐसा कि बहुत बुरा हो रहा है, मैं चाहकर कुछ नहीं कर पा रहा। और ये बहुत ही मार्मिक क्षण है, बहुत ही आप कह सकते हो कि दिल को छू लेने वाला क्षण है। और तुम्हें अपने जीवन साथी के साथ भाई अपना सुनहरा भविष्य देखना है, मेरी आंखों से जो आंसू बह रहे हैं, मैं आंसू ही नहीं, मैं खुद बह रहा हूँ। और बेटी को विदा करते समय पिता बहुत असहाय हो रहा है और भाषा साहित्य खड़ी बोली है, बेटा आज विदा है तेरी बेटी, आत्मसमर्पण है यह जो बेबस है जो ताड़ित है, यहां से लेकर किसको प्यार करेगी तक, ये आपका काव्यांश है। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि बेटी कैसे अलग हो रही है, एक नई जगह पर जा रही है, यही आपका प्रसंग चल जाएगा। और इसमें देखते हैं व्याख्या क्या है। कवि कहता है बेटा जब आज मैं तुझे विदा कर रहा हूँ, मैं अपनी सारी शक्ति को समेट कर हिम्मत कर रहा हूँ कि भाई तेरा सुखद जीवन जो है वो अच्छे से हो, मैं मंगल कामना करता हूँ, मैं अपने आप आत्मसमर्पण कर दूंगा, बट तू खुश रहे अपने घर पे, मैं सांसारिक परंपराओं के आगे बेबस हूँ, ये परंपरा चली आ रही है भाई, हर किसी को जाना ही है, ठीक है, और मानो किसी प्रण को तोड़ने का दंड मुझे मिल रहा हो, मुझे लग रहा है कोई सजा मिल रही है, तुम मुझसे दूर हो रहे हो। और
लग रहा है कि मैं बहुत लाचार हो गया हूँ। सावन का मौसम आएगा, चारों तरफ हरियाली होगी, छोटे भाई बहन तुम्हें पुकारेंगे, मैं क्या जवाब दूंगा? कहाँ गई उनकी जीजी? मेहंदी और पाँव पर लगने वाला महावर भी तेरा इंतजार करेगा और रोएगा, मन ही मन तुझे पुकारेगा, अर्थात याद करेगा कि मैं भाई कैसे तुझे लेकर आऊंगा। ठीक है, तुम्हारी माँ जब सिसक सिसक जो सिसक सिसक कर सपनों में याद करेगी तुम्हें, तो मैं उसे कैसे समझाऊंगा? दिवाली आवेगी, होली आवेगी, आवेंगे उत्सव, जीजी रानी साथ रहेंगी बच्चों के, यह कैसे संभव? भाई के जी में उठेगी कसक, सखी खिसक कर उठेगी, माँ के जी में ज्वार उठेगी, बहन कहीं पुकार उठेगी। तो इसमें सेम आप लिख सकते हो जो काव्यांश है। अब मैं आपको बताता हूँ वो जो जो प्रसंग है वो सेम चल जाएगा, व्याख्या बताता हूँ। कवि याद करते हुए लिखता है कि होली दिवाली के उत्सव जब आएंगे तो बच्चे छोटे भाई बहन तुम्हारे आएंगे, बोलेंगे जीजी रानी कहाँ है? तो भाई जो तुम शरारतें मिलकर करते थे वो तुम नहीं कर पाओगे, बच्चे जो है भाई बहन सब दुखी हो जाएंगे, सहेली अकेली हो जाएगी, माँ भी जो है मन ही मन उमड़ उमड़ कर रोएगी, दुखी होगी, याद करेगी, बहन बार बार तुम्हें पुकार रही होगी, तो मैं क्या करूंगा? मैं तुम्हें घर के साथ जो है कैसे लाऊं? अब ये कैसे हो पाएगा? मैं तो भावुक होकर उनके साथ रोने लगूंगा, यानी कि मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, माई का सूना हो जाएगा, बेजान हो जाएगा तुम्हारे बिना। तब क्या होगा, झूम झूम जब बादल बरस उठेंगे रानी, यहां से लेकर आज बेटी जा रही है तक, और प्रसंग आपका चल जाएगा पीछे वाला। और व्याख्या में यह है कि कवि अपने मन की व्यथा दिखाते हुए, अपने दुख को दिखाते हुए कहता है कि जब तुम ससुराल चली जाओगी तो कौन झूम झूम कर बरसते बादलों का आनंद लेगा, बारिश में कौन नहाएगा, सूर्योदय के समय मुझे नींद से कौन उठाएगा, कौन जगाएगा, अपनी बातें कौन बताएगा? तुम्हारे चाचा जी तो जो जो तुम्हारे साथ खेलते थे, महलाते अपना मन बहलाते थे, अब उनके साथ कौन अटखेलियां करेगा, कौन खेलेगा चाचा के साथ? चाची जी अब किसका इंतजार करेंगी? ये संसार की बहुत बुरी परंपरा है, जैसे अंडों से निकलकर एक बार चूजा उड़ गया तो चिड़िया कितना भी बुला ले, कितने पंख पसार ले, चूजा वापस अंडे में नहीं आने का, वैसे ही अगर एक बार बिटिया की विदाई हो गई तो वो याद करने पर भी बिटिया वापस अपने घर पे नहीं आने की। तो भाई ये प्यारी बेटी मैं तुम्हें ससुराल भेज रहा हूँ, तो हर आंख में तुम्हारे लिए मतलब यही है कि लोग ये हैं कि भाई उम्मीद कर रहे हैं कि आपके साथ सब अच्छा हो, मंगल हो, सब कुछ अच्छा अच्छा हो, और ये जो आंसू हो रहे हैं, तुम्हारे आंसू निकल रहे हैं इसी के कारण, देखो भाई बाहर बरसात का भी मौसम बन गया है। और हे मेरी प्यारी बेटी, आज एक तरफ तुम प्रणय सूत्र में बंधोगे, शादी के बाद एक नई दुनिया बसाओगे और इस घर से पराई हो जाओगे, एक तरफ मिलन होगा दूसरी तरफ बिछुड़न होगी, ये परंपरा हमेशा से चली आ रही है। तो भाई इसमें प्रकृति का मानवीकरण है, अनुप्रास अलंकार है, प्रश्नात्मक शैली है, आपने देखा होगा क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है वो, और शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का यूज किया गया है। तो अगर आपको कविता अच्छी लगी हो तो आप फीडबैक जरूर दें कमेंट में जाके, सब्सक्राइब कर दें चैनल को और ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें। जय हिंद, जय।